अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। होप यू आर बेस्ट इन हेल्थ एट होम। द हेवन एजुकेशन फाउंडेशन हैज अरेंज स्पेशल क्लासेस फॉर किड्स ऑन साइंस टॉपिक कोविड 19 वायरस एंड डेंगी। दे बोथ आर वायरल डिजीजेस। हाँ जी, क्या है कि बैक्टीरिया फंजाई आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। नॉट ओनली डू दे रिसाइकल नेचुरल वेस्ट और नेचुरल रिसाइकल। देखो ना, पत्ता गिरेगा तो नया न्यू लीव्स आएंगे, तो रिसाइकलिंग होती है ना। यस मैम। द न्यू लीव्स कब आते हैं? ऑटम क्यों होता है? हाँ, स्प्रिंग में आते हैं। स्प्रिंग में हमारे क्या आते हैं? न्यू लीव्स आते हैं। तो ऑटम में सारे गिरते हैं तो स्प्रिंग में आते हैं ना। yes. अगर खजाई नहीं होगी नीचे गिरेंगे नहीं, और जो नीचे गिरते हैं वो डिके होके खाद बन जाते हैं, रिच सॉइल में चेंज हो जाते हैं, पार्ट ऑफ रिच सॉइल। ठीक है, इससे सॉइल रिच हो जाती है, उससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, दरख्त की ना ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और नए नए पौधे और फल जो है ना वो मजेदार फल हम खाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। न्यूट्रिएंट्स हमें गजाइत की जरूरत होती है ना, जैसे हमें गजाइत की जरूरत होती है ऐसे ही प्लांट्स को भी। थे प्लांट्स आर लिविंग थिंग, प्लांट्स आर लिविंग थिंग। ठीक है, दे आल्सो प्रोड्यूस मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। बॉडी माइक्रोऑर्गेनिज्म नो एज अ गुड फ्लोरा हेल्प अस डाइजेस्ट फूड। हमारी बहुत सारी फूड को ये डाइजेस्ट करने के, आपको पता रोजे से कितना फायदा होता है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी बॉडी तो डेफिनेटली, हमारी बॉडी को तो तीनों टाइम खाना चाहिए। जब हमें खाना नहीं मिलता तो वो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को खाना शुरू कर देती है, जिससे वो सारे हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और वो सारे सफाई हो जाती है हमारी बॉडी की, और हमारा बॉडी रीइन्वेगोरेट हो जाती है, दोबारा से हमारी बॉडी में ताजगी आ जाती है और हमारे बॉडी जो है ना वो जरासीम से पाक हो जाती है। इसलिए जो है ना वो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि साल में हमें एक, जैसे हम सालाना सफाई करते हैं ना, इसी तरह हमारी बॉडी की ये सफाई हो रही होती है। पूरा दिन भूखा रहते हैं ना तो उससे साइंटिफिक लिहाज से हमें फायदा होता है। साइंटिफिक लिहाज से क्या फायदा होता है? हमारे अंदर की सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद अपने आप को एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सफाई हो जाती है और हमारी बॉडी साफ हो जाती है और हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अब समझते हैं कि हमें वीकनेस होगी, हम बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, जैसे हम सालाना सफाई करते हैं ना घर की, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी की सफाई करते हैं। रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ विटामिंस एंड न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर कीपिंग आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इससे हमारी प्रोडक्शन जो है ना बढ़ जाती है और न्यूट्रिएंट्स हमारी गजाइत भी बढ़ जाती है, जो कि जरूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बैक्टीरिया आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बैक्टीरिया ही है जो फ्रंट लाइन पर हमारी कुवत मुदाफत बढ़ाती है, बीमारी से बचाती है, तभी हमारी बॉडी हैज अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारे अंदर भी सेल होती है, जब मैं मसल को हमको काटते हैं मैम तो मेडिसिन सेल आते हैं हमारे अंदर, आते हैं तो हमारे सेल मेडिसिन तो खत्म कर देते हैं। मैम ये उर्दू का पेन नंबर 8 मिले, मैम वाली समझ आ रही पेन नंबर 8 मिला है। 8 मैम इसको पेन नंबर 8 है, उर्दू का पेन नंबर 8 रीडिंग मिली है, बस रीडिंग करो मैम। कौन सी दवाइयां बनाने में भी काम आते हैं हमारी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वैक्सीन, और वैक्सीन बनाने, वैक्सीन बचाओ को कहते हैं ना, जो हमारी बीमारी से हमें बचाते हैं। उस दिन आप इंजेक्शन नहीं लगवा रहे थे, वैक्सीनेशन का वो आपकी डिफेंस पावर को बढ़ाता है, यानी बिल्कुल आपको, जैसे कि हम दरवाज़ा बंद कर ले तो कोई भी गलत आदमी अंदर एंटर नहीं होता, इसी तरह बिल्कुल इंजेक्शन जब लग जाता है तो वो जो है ना उनके जो डेथ, वो जो उसमें डेड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो लाइव बैक्टीरिया के साथ फाइट करके तो ख़त्म हो जाते हैं और वो हमारा डिफेंस इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। Many vitamins used in the manufacturing of antibiotics and vaccines, they are used
in biotechnology to control diseases in plants and animals industrial process is increasing day by day. वो यानी कि इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे एनिमल्स भी सेफ रहें और प्लांट्स भी सेफ रहें. प्लांट्स के बगैर तो हम खा ही नहीं सकते कुछ भी. और प्लांट्स के बगैर मेडिसिन भी नहीं बन सकती. सबसे ज्यादा हाँ जी प्लांट ना होते तो हम खाना ही नहीं खा सकते थे. हम प्लांट्स के बगैर सांस भी नहीं ले सकते थे. ऑक्सीजन ही नहीं होती. ये सारी चीज़ें प्लांट्स से हैं. इसीलिए प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए. प्लांट्स से ही मेडिसिन बनती है. प्लांट्स से ही सारा कुछ बनता है. मुझे भी समझाना कल आगे. हाँ जी आप बताओ.